सोचिए भारत कौन है, इतना बड़ा रूस, इतना बड़ा अमेरिका, इतना बड़ा चाइना, भारत कहाँ आता पता नहीं है। लेकिन आज आपको भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति होगी कि जिस यूक्रेन को अमेरिका का पूरा साथ मिला हुआ है, वो यूक्रेन अमेरिका से नहीं कह रहा मदद करो, वो यूक्रेन भारत से कह रहा है मोदी बड़े नेता मदद करें। यूक्रेन के राजदूत ने दिया महाभारत और चाणक्य का वास्ता। इस न्यूज को सुनने के बाद आनंद आया, एक बार और पढ़ देता हूं। मोदी बड़े नेता मदद करें, यूक्रेन के राजदूत ने दिया महाभारत और चाणक्य का वास्ता। ये आपके देश की दमखम है। लोग बोलते ना क्या हो गया 2014 से लेके अब तक, ये हो गया, वो भाई गटर से जो निकल के आता, वो भाई आजा भाई आजा, तेरे लिए न्यूज आई है। हम नहीं कह रहे भाई, ये देश हमारे देश का नहीं बोल रहा, ये यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन कह रहा हमारी मदद करो, और मोदी चाहे तो उस युद्ध को रुकवा देगा। इतनी ताकत है एक आदमी में, एक आदमी में इतनी ताकत है, वो युद्ध को रुकवा देगा। कभी सोचा था ऐसा? कमाल है भाई। रशिया सोजेस मेटल टू वर्ल्ड एंड शोज ऑल पावर टू रशिया, रशिया हैज ऑलरेडी मूव्ड इट्स फंड्स फ्रॉम द यूके एंड यूएस टू इम्यून फ्रॉम सैंक्शंस। अश्विन जी अभी रुकिए, अभी रुकिए, बहुत कुछ बाकी है अभी, इतनी जल्दी कैसे, अभी ठहरिए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राजदूत की प्रधानमंत्री मोदी से दखल देने की अपील। भैया दखल दे दो, बचा लियो हमको मोदिया, ये मोदिया ही बचा पाए है, ये पूरे देश को बचा लीन है, हमको भी बचा दे भैया, कमाल हो गया मोदिया। तो एक आदमी से सबको उम्मीद है और वो है नरेंद्र मोदी, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है। यूक्रेन को रौंद रहे हैं रूसी टैंक, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। कहता भाई यूक्रेन को रौंद रहे हैं इनके टैंक, आप हमें बचा लो। मोदी से मदद की गुहार यूक्रेन ने लगाई है, देख लें। बहुत सारे लोग बोलेंगे पता नहीं कैसे कैसे, हाँ हाँ हाँ। एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर आस्किंग प्लीडिंग द सपोर्ट ऑफ इंडिया, आस्किंग प्लीडिंग द सपोर्ट ऑफ इंडिया। India is the powerful global player. India is the powerful global player. We are asking, pleading, याचना कर रहे हैं हम। भारत global leading player है। And in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. भारत को अपना जो ग्लोबल रोल है वो अदा करना चाहिए। अरे ये कब से हो गया, हमें तो लग रहा था भारत तो ऐसे ही छोटा मोटा देश है। कहते नहीं नहीं भारत को अपना रोल अदा करना चाहिए। गलत है भाई, ओहो हो हो, हमें पता ही नहीं था कि हमने ठेका भी लिया हुआ। भाई अब लोग बता रहे हैं कि आप ठेकेदार हो, विश्व के ठेकेदार। मोदी जी भी लगा है भाई। जली क्या जली, ओ भाई जो गटर से निकल गया तेरी जली होगी भाई। इस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मोदी जी इस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड पावरफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू नो दैट यू हैव स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया। आई डोंट नो हाउ मैनी वर्ल्ड लीडर्स पुतिन मे लिसन टू, बट द स्टेटस ऑफ मोदी जी makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. कहते हैं मोदी जी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हैं, हजारों लीडर हैं दुनिया के अंदर,
मुझे नहीं मालूम कि पुतिन किसकी सुनेगा किसकी नहीं सुनेगा, लेकिन इतना पक्का है कि मोदी जी की जरूर सुनेगा। दोबारा सोचने पे मजबूर होगा पुतिन। अच्छा आपको ये मालूम है तो मोदी इतने पावरफुल हैं कि मोदी अगर चला जाएगा सामने पुतिन को भी दोबारा सोचना पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा है अरे बड़े परेशान है, बड़ा बुरा लग रहा है कुछ लोगों को इनका वीडियो देख के। अभी आ रहा हूँ सर, आप पर भी आ रहा हूँ। तो मोदी जी सुपर हीरो इंटरनेशनल, आई एम श्योर ही विल टेक कैलकुलेटेड स्टेप। सर चिंता मत कीजिए अश्विन जी, हम सबसे ज़्यादा उनको मालूम है। ठीक है, किस किस को बुरा लग रहा है इनको देख के? आइए अब बताता हूँ, ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं इसको देख के जिन जिन को बुरा लग रहा है उनकी जरा आंखें खोल दूं। वर्ष 1998 भारत ने परमाणु बम फोड़े थे पोखरण में, पूरे विश्व ने सैंक्शन लगाने की बात कही थी और इसी यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट किया था, कहा था हाँ भारत पर सैंक्शन लगना चाहिए। 1998 में इसी यूक्रेन ने कहा था कि भारत पर सैंक्शन लगना चाहिए। कितनों का दिल धड़क रहा था यूक्रेन के लिए बताओ, अब क्या करना चाहिए? आओ आओ बुढ़ा लोला है, उसके लाजदूत लोला है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत इमोशनल फूल हूं भैया। अब क्या करना चाहिए बताओ? सिर्फ वो लोग जवाब दें जिनको लग रहा था यूक्रेन का साथ देना चाहिए। हंसो हंसो मत यार, ठीक है थोड़ा मजाक कर लिया, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वो लोग सीरियसली वो लोग जवाब दें जिनका अभी तक दिल पसीज रहा था यूक्रेन के लिए। ये एक बात बताइए, ऐसी बहुत सारी है। 1998 में भारत में सैंक्शन, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए यूक्रेन ने हमारे खिलाफ में वोट किया था। यूक्रेन को आज मालूम चल रहा होगा वो वाजपेयी का भारत था, ये मोदी का भारत है। आज आप यहां सिर पटक रहे हो, नाक रगड़ रहे हो, जिस देश के खिलाफ आपने वोटिंग करी थी आज उस देश के से आप मदद मांग रहे हो। सोच लेते उस समय, तब नहीं सोचा था? ठीक है, मन बदल गया। जिस जिस को जो सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ वही लोग जवाब देंगे, जिस जिस को लग रहा था यूक्रेन का साथ देना चाहिए और जिनका मन अब बदल गया कि नहीं हम साथ नहीं देना चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो यस लिख दें बस। इस लाइव को देख के जिनका मन बदल गया वो यस लिख दें बस, फिर आगे का एनालिसिस करूं जल्दी से कटाकट। दो बार टैंक भेजे थे पाक, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब इनका मन पहले कुछ और था अब बदल गया। अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों को हमदर्दी थी मतलब यूक्रेन से। चलो ठीक है, चलिए साहब अब अरदास करी है, ये कहा है कि भाई हमको जो है बचा लो, वर्ल्ड लीडर हो तो, वर्ल्ड लीडर है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, आप किसी को ऐसे ही नहीं कर सकते कि नहीं तुमने हमारे साथ ऐसा किया था इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। सर इंडिया इज वॉर स्पाइस इज यूक्रेन सप्लाइज वेपन टू पीके, वाई दे आर आस्किंग फॉर हेल्प नाउ? अश्विन जी बिल्कुल आइए। तो जब आपने कहा ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के संबंध में पीएम को जानकारी दी। सुपर पावर है दुनिया की, आपके देश के प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहा है मालिक, ये कर लिया, ये करना बाकी है। भारत रूस के लंबे समय से चले आ रहे विश्वास को दोहराते हुए पीएम ने रूस और नाटो के बीच मतभेद को केवल बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, ऐसा कहा पीएमओ ने। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवर मोदी जी विल सॉल्व इशू, वर्ल्ड विल टेक क्रेडिट। भूल जाइए अमरिंदर सिंह जी, गए जमाने, ठीक है ना, गए जमाने। और क्या हुआ, मोदी जी को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को तत्काल बंद करने की अपील की और राजनयिक वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। ठीक है, बोलते हैं भैया युद्ध युद्ध बंद करो यार, आपस में बात हो गई होगी, युद्ध बंद कर दो। बहुत सारे लोग अभी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कुछ रशिया के खिलाफ में किसी ने कहा था कि रशिया भारत के खिलाफ में कुछ करना चाहता है, या मतलब मोदी को हटाना चाहता है, या मोदी से नहीं बनती है, मोदी को नीचे दिखाना है, कुछ ऐसा कमेंट था, मैं भूल गया उसको, मैंने कहा था मैं आता हूं उस बात पर, तो अब उस कमेंट का जवाब देने का समय आ गया है। रशिया की तैयारी पिछले एक डेढ़ साल से थी कि वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। अब एक याद दिलाता हूं आपको, एक छोटी सी अल्प मुलाकात, सिर्फ 6-7 घंटे के लिए भारत आए थे व्लादिमीर पुतिन, क्या बात हुई थी किसी को नहीं मालूम, चुपचाप आए, कुछ बातचीत करी मोदी जी से, गले मिले और चले गए। ऐसी कुछ हुआ था ना, आपको तब समझ में नहीं आया था? तो भाई अगर उसको मोदी का बुरा करना होता, या भारत का बुरा करना होता, या भारत को नीचा दिखाना होता, तो आज वो भारत को बता नहीं रहा होता कि मैंने क्या क्या करना है, मैं क्या क्या कर रहा हूं,
जानकारी नहीं देता, वो कहता शट अप, शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस, मैं तुम्हारे साथ, और ना मोदी जी फोन लगाते और ना वो कहते कि हम फोन पर आएंगे। फोन लगाना, फोन पर बात करना, फोन पर आना, फोन पर बात करना, जानकारी देना कि हम क्या कर रहे हैं, मोदी जी का कहना कि इसको तुरंत बंद किया जाए, ये ऐसा तो नहीं कि प्रेस रिलीज यहां आ रही है तो बताया नहीं गया होगा, रशिया को बताया गया होगा कि हम इसकी ये प्रेस रिलीज ये लिखकर देने वाले हैं बाहर। ऐसा नहीं होता कि आप आके कुछ भी बोल दोगे, अंदर जो बात हुई, कल से कोई बात नहीं करेगा आपसे फोन पर। तो ये जानकारी दी गई होगी रशिया को, रशिया ने भी आपको जानकारी दी है, ये भी लिखा गया होगा कि हम ये लिख रहे हैं कि आपने हमको जानकारी दी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है आपसे, क्लियर है। चलिए, और ये मत समझ लीजिएगा मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, पिछले लाइव में बोला ना, अभी फिर से उसी को दोहरा देता हूँ, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखना लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा